इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसका पैरेलल ऑपरेशन किस लिए करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेलल ऑपरेशन क्यों करते हैं। तो ये पैरेलल ऑपरेशन करने से हमें ये फायदे होते हैं क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है ना, अगर एक ट्रांसफार्मर अगर खराब हो जाए तो दूसरे ट्रांसफार्मर पर हम लोड देके उस ट्रांसफार्मर को रिप्लेस कर सकते हैं विदाउट किसी प्रॉब्लम के। तो इसके लिए हमको पैरेलल ऑपरेशन के लिए करना पड़ता है। और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर हमारे ट्रांसफार्मर की केवीए क्षमता को बढ़ाना है तो उस केवीए क्षमता को बढ़ाने के लिए हम दो दो केवीए का अगर दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल कर देंगे तो कितने केवीए का लोड लेगा? चार केवीए का लोड लेगा। मतलब केवीए लोड को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो इसके प्रयोग करने के लिए तीन शर्तें होती हैं। तीन शर्तें क्या कि सबसे पहले आपको पोलैरिटी टेस्ट करना है ट्रांसफार्मर का, मतलब फेज कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है, उसको पोलैरिटी टेस्ट करना है। क्योंकि दोनों ट्रांसफार्मर का ये जो पोलैरिटी है फेज फेज और ये न्यूट्रल न्यूट्रल वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्योंकि अगर आप फेज न्यूट्रल एक भी ट्रांसफार्मर का बदल देते हो तो आपके ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो पोलैरिटी टेस्ट का वीडियो अगली बार प्रैक्टिकल में हम लोग पोलैरिटी टेस्ट कर चुके हैं। अब इसमें हम सिर्फ कनेक्शन करेंगे। तो मेरे पास दो ट्रांसफार्मर है, ठीक है, तो पहला पोलैरिटी कंप्लीट हुआ, दूसरा आपको इसका इम्पीडेंस सेम रखना है। अब देखिए जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर में अगर कम टर्न वाले को आप प्राइमरी माने हैं तो इस ट्रांसफार्मर में आपको कम टर्न वाले को क्या मानना पड़ेगा? प्राइमरी मानना पड़ेगा, ताकि इम्पीडेंस दोनों का क्या रहे? सेम रहे। दोनों ट्रांसफार्मर की रेटिंग सेम होनी चाहिए, रेटिंग कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दोनों ट्रांसफार्मर के इनपुट और आउटपुट वोल्टेज क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो जैसा हमने यहाँ पे कनेक्शन बना रखा है, ये इनपुट है फेज और न्यूट्रल, और ये जो फेज और ये फेज दोनों का कनेक्शन हमने फेज के साथ किया है पोलैरिटी टेस्ट के माध्यम से, और ये न्यूट्रल दोनों का हमने यहाँ पे किया है। सेकेंडरी में सेम चीज़ पोलैरिटी टेस्ट की वजह से हमको फेज पता चल गया था कि फेज का टर्मिनल कौन सा है और न्यूट्रल का टर्मिनल कौन सा है। और यहाँ पे हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया ताकि हम वोल्टेज भी क्या करें, दोनों का सेम मेजर कर सके। क्योंकि दोनों ट्रांसफार्मर का इनपुट और आउटपुट वोल्ट चेक कर लेना है। जैसा कि यहाँ कनेक्शन किया गया उस तरीके से हमने यहाँ पे कनेक्शन करके रखा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए वोल्ट मीटर 204 वोल्ट शो कर रहा है, और यहाँ पे हमने ये वायर इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है इस तरीके से। देखिए ये 203 वोल्ट शो कर रहा है, और ये हमारा लोड है जो हमने यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे भी एक वोल्ट मीटर है जो रीडिंग शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।